नमस्कार, पिथौरागढ़ से आज के मुख्य समाचार। पिथौरागढ़ स्थानीय स्पोर्ट्स स्टेडियम की दर्शक दीर्घा को अब अर्जुन अवार्डी हरिदत्त कापड़ी के नाम से जाना जाएगा। खेल सचिव ने बीते एक दिवस पूर्व इसके आदेश जारी किए हैं। कैप्टन हरिदत्त कापड़ी के नाम से दर्शक दीर्घा का नाम किए जाने पर जिले भर में खुशी का माहौल है। संक्षिप्त परिचय में, कैप्टन हरिदत्त कापड़ी का जन्म जनपद के चिड़ियाखान गांव में हुआ था। कम उम्र में सेना में भर्ती हुए कैप्टन कापड़ी ने बास्केटबॉल खेल में कई उपलब्धियां हासिल की। उनके नेतृत्व में भारत ने कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी जीत हासिल की। उनकी इन उपलब्धियों व खेल प्रतिभा को देखते हुए सन 1972 में उन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। जिला मुख्यालय के वीर चक्र कॉलोनी भाटकोट में रहने वाले कैप्टन कापड़ी आज भी खेल गतिविधियों में सक्रिय रहते हैं। उनकी उपलब्धियों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने स्पोर्ट्स स्टेडियम की दर्शक दीर्घा का नाम उनके नाम से कर दिया है, जिसको लेकर जनपद के खिलाड़ियों सहित अन्य लोगों ने खुशी व्यक्त की है। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में खराब गुणवत्ता वाले पेयजल टैंक को तोड़ने के बजाय उसकी मरम्मत किए जाने पर स्थानीय लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया है। क्षेत्रवासियों ने टैंक स्थल पर एकत्रित होकर प्रदर्शन किया, साथ ही ठेकेदार के साथ मिलीभगत सहित गंभीर आरोप भी संबंधित विभाग पर लगाए हैं। बलाती मुनस्यारी निर्माणाधीन पेयजल योजना और टैंक की गुणवत्ता पर सवाल खड़े करते हुए स्थानीय लोगों ने बीते दिनों भी आक्रोश व्यक्त किया था। प्रशासन ने विरोध को देखते हुए टैंक की जाँच को लेकर कमेटी का गठन किया, जिसकी जाँच के बाद टैंक ध्वस्त करने के आदेश दिए गए थे। बावजूद इसके पेयजल निगम द्वारा टैंक ध्वस्त नहीं किए गए और ठेकेदार द्वारा टैंक मरम्मत का कार्य प्रारंभ कर दिया गया। बीते दिवस मल्ला जवाहर विकास समिति अध्यक्ष श्रीराम धर्मसत्तु की अगुवाई में क्षेत्रवासियों ने टैंक स्थल पर पहुंचकर प्रदर्शन कर आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने गुपचुप तरीके से टैंक मरम्मत कार्य का विरोध करते हुए इस तरह से कार्य न होने देने की चेतावनी भी दी है। प्रदर्शन करने वालों में गोकर्ण सिंह, लोक बहादुर, जंगपांगी, केदार सिंह, तारा पांगती, इंदिरा देवी, कैलाश सिंह सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे। 55वीं वानी एसएसबी एचोली द्वारा सीमा चौकी झूलाघाट क्षेत्र में जन कल्याण कार्यक्रम के तहत कानड़ी में पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पशु चिकित्सा अधिकारी सहायक कमांडेंट जीएम पटेल द्वारा पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण कर निशुल्क दवा वितरित की गई। शिविर में 172 पशुओं की जाँच की गई। इस अवसर पर उप निरीक्षक निरंजन हल्दीर, सहायक उप निरीक्षक चरणजीत गिल, मुख्य आरक्षी उपेंद्र सिंह एवं सूरज नेगी सहित वाहिनी के अन्य जवान उपस्थित थे। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में जिला योजना समिति डीपीसी के चुनाव संपन्न हो गए। जिला पंचायत में 33 सदस्यों के सापेक्ष 22 सदस्यों ने मतदान किया। वहीं नगर पालिका में भी सभी सभासदों द्वारा मतदान किया गया। जिला पंचायत में भाजपा का दबदबा रहा। जिला पंचायत में चुने जाने वाले 15 सदस्यों के लिए 18 नामांकन हुए। मतदान में 22 मतदाताओं ने प्रतिभाग किया, जिनमें से 15 सदस्य भाजपा समर्थित विजयी रहे। जिला पंचायत में एक कार्यक्रम का आयोजन कर जिला योजना समिति डीपीसी के चुनाव में भाजपा की जीत पर खुशी व्यक्त की गई। जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोहरा व पूर्व पंचायत अध्यक्ष वीरेंद्र बोहरा द्वारा विजयी रहे सदस्यों का माल्यार्पण कर शुभकामनाएं दी गई। इधर जिला योजना समिति डीपीसी के चुनाव में जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया ने भाग नहीं लिया। उनकी अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण मर्तोलिया बीते लंबे समय से सक्रिय नहीं है। चर्चाएं हैं कि मर्तोलिया शीघ्र अपने पद से त्याग पत्र देने वाले हैं। चुनाव के बाद आज 2 वर्ष के अंतराल पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में संपन्न हुए हैं और इसको लेकर समस्त निर्वाचित सदस्य हमारे उत्साहित हैं अपने अपने क्षेत्र के विकास करने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी के 15 सदस्य इस निर्वाचन में निर्वाचित हुए हैं और चुनाव निर्विवाद और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए हैं और आगे हम अपने 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 क्षेत्रों का विकास करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इधर नगर पालिका के 2 सदस्यों में कृष्णापुरी वार्ड के सभासद रविंद्र सिंह बिष्ट व सिमलगर वार्ड के सभासद अनिल कुमार जोशी के जिला योजना समिति में शामिल होने पर नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र रावत, पूर्व विधायक मयूख मेहर सहित सभासदों ने खुशी व्यक्त करते हुए शुभकामनाएं दी हैं। नगर पालिका में 8 सभासदों ने दावेदारी की थी, जिसमें से रविंद्र सिंह बिष्ट व अनिल कुमार जोशी विजयी रहे। हमारे चैनल पर नियमित समाचार सुनने के लिए व पिथौरागढ़ समाचार ग्रुप व्हाट्सएप व टेलीग्राम से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करने के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करने के साथ बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। धन्यवाद।